बोर्ड पे तीन प्रश्न लिख रहे हैं आपके सामने, लिख रहे ये दो नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मिट्टी क्या होती है मृदा बताओ, मृदा का निर्माण कैसे होता है, हमने बात करी है मृदा के प्रकार के बारे में, चट्टानों के अपक्षय के द्वारा मृदा का निर्माण होता है और मृदा के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं पीडोजेनेसिस। अब क्या मृदा में क्या क्या मिला हुआ रहता है, क्या क्या पाए जाते हैं, यानी उसका संगठन क्या है। अब जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह में ये सारे पदार्थ मिले हुए होंगे तो वो काय का निर्माण कर देगी मृदा का, ठीक। 40% मात्रा मिट्टी में काय की होती है, खनिज पदार्थ की होती है, 10% कार्बनिक पदार्थ, जीवांश, कूड़ा कचरा जो भी है कार्बनिक पदार्थ की कैटेगरी में आएगा वो रहेगा, ठीक। मृदा जल कितना रहेगा 25% और मृदा वायु कितनी रहेगी 25%, कोई दिक्कत इसमें, और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये सरल सा लेकिन परसेंटेज में हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक। खनिज कितना 40%, कार्बनिक पदार्थ कितना 10% और मृदा जल और मृदा वायु 25-25%, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है हमारा क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके 4 नंबर में भी आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में एक एक पूछा जाएगा, किसी भी रूप में आ सकता है और ये आपको याद होना ही चाहिए। जिनको यदि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उनको तो ये पूरा ही करना है, ठीक। अब देखिए, अब मृदा कणों के आकार के आधार पर मृदा के कितने प्रकार होते हैं, तो मृदा के कणों का आकार प्लस उनका अनुपात किस रेशो में है वो मिलकर क्या बनाते हैं, उस स्थान की मृदा का निर्माण करते हैं। जैसे ये तो है ही सही मृदा, लेकिन इसका ये डिपेंड करे के ऊपर करेगा कणों का आकार कैसा है और वो कण कितनी क्वांटिटी में आपस में मिले हुए हैं। ये तो मिट्टी है, बस आकार और उसकी मात्रा अलग अलग है, तो मिट्टी के प्रकार भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये नाम देख लो आप, किस तरह की होती है, बजरी, महीन बजरी, मोटी बालू, महीन बालू, गाद और चिकनी मृदा, ठीक। अब इनके अंदर कणों का आकार कैसा होता है, देखो हम इधर से चलते हैं नीचे से, या तो ये बड़ी है या ये छोटी है। देखो चिकनी मृदा इस आकार के होंगे, बिल्कुल मृदा के कण सूक्ष्मतम आकार के होंगे, 0.002 मिलीमीटर तक। क्या आप लोग बताओगे चिकनी मृदा के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, जल संग्रहण क्षमता क्या रहेगी, सोचो, और किसमें कम किसमें ज़्यादा रहेगी बताना। फिर अगली इससे ऊपर की कैटेगरी क्या है, गाद, ठीक। इसके कणों का आकार इससे बड़ा होगा, देखो 0.002 से 0.020, ठीक है। इसके बीच में जो आकार रहेगा मृदा के कणों का, और ये गाद भी अपेक्षाकृत चिकना ही रहता है, इसमें भी पानी ही पाया जाता है, तो ये इस तरीके की ये जब कणों का आकार 0.020 से 0.002 मिलीमीटर के मध्य होता है तो वो कैटेगरी आती है गाद। फिर इससे थोड़ी सी बड़ी मृदा क्या कहलाएगी, महीन बालू, महीन बालू में कणों का आकार 0.2002 से यही वाली कैटेगरी यहाँ आई 0.020 के बीच का होता है, मिलीमीटर के बीच का। फिर इससे ऊपर आए हुए महीन बालू से थोड़ी सी मोटी बालू, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, जल संग्रहण क्षमता मध्यम होगी, ठीक। अब इनके कणों का आकार दिख ही रहा है, महीन बालू मोटी बालू 0.0200 से 0.20, इसका 2 से 0.200 मिलीमीटर तक। फिर इसके बाद क्या आई, महीन बजरी,
फिर उसके बाद क्या आई बजरी। बजरी का आकार क्या होता है 0.2 मिलीमीटर से अधिक और महीन बजरी 2 से 5 मिलीमीटर के बीच पाया जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल जाता है याद करने में, पर याद करना पड़ेगा। दो दो ग्रुप में कर लेना ना, ये दो अलग कर लेना, ये दो अलग करना, ये दो अलग करना, तो कंपेरेटिव करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़े, हो गया है। अब आगे आगे खत्म करें।